हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम का पहला सीजन जब से रिलीज हुआ है तभी से ये सीरीज विवादों में बनी हुई है। इस वेब सीरीज में देखिए, बॉबी देओल ने एक पाखंडी बाबा का किरदार निभाया है और जिस कारण कुछ संगठन उनसे नाराज भी हैं। कोरोना वायरस महामारी के बाद आश्रम की टीम जैसे ही मध्य प्रदेश में तीसरे सीजन की शूटिंग करने पहुंची, जिसके सेट पर बीते दिन जमकर हंगामा हुआ। सेट से सामने आए एक वीडियो में बजरंग दल के लोग आश्रम सीरीज के क्रू मेंबर्स को दौड़ा दौड़ा कर मारते दिखाई दिए हैं। खबरें तो ये भी हैं कि लोग बॉबी देओल को पीटने पहुंचे थे, जब वो उनके हाथ नहीं लगे तो उन्होंने क्रू मेंबर्स पर अपना गुस्सा उतारा। आपको बता दें कि बॉबी देओल की हिट वेब सीरीज आश्रम के दो सीजन आ चुके हैं और दोनों ही जबरदस्त हिट रहे। अब सीरीज के तीसरे सीजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन ये शूटिंग शुरू होने से पहले ही विवादों में फंस गई है। सीरीज के तीसरे सीजन की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल में सेट लगाया गया था और जहां से तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। अब खबरें हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आश्रम 3 के सेट पर जमकर तोड़फोड़ की और इतना ही नहीं, बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सीरीज के डायरेक्टर प्रकाश झा के मुंह पर स्याही भी फेंकी है। कार्यकर्ताओं को कहना है कि सीरीज का नाम बदला जाना चाहिए, वरना सीरीज की शूटिंग भोपाल में कतई नहीं होने देंगे। तो सेट पर प्रकाश झा मुर्दाबाद, बॉबी देओल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। लोगों का कहना है कि बॉबी देओल को अपने भाई सनी से कुछ सीखना चाहिए। तो बजरंग दल के नेता सुशील सुदेले ने ये भी कहा, हम चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर पनपे, लेकिन इस भूमि का इस्तेमाल हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। सीरीज से पिछले सीजन में दिखाया गया कि आश्रम में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, क्या सच में ऐसा होता है? तो देखिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता जबरदस्ती सेट पर आ गए और वहां पर क्रू मेंबर्स के साथ मारपीट भी की और वहां खड़ी गाड़ियों के शीशे भी फोड़ दिए गए और शूटिंग के सामान को भी खासा नुकसान पहुंचाया गया। और साथ ही एक नेता ने कहा कि अभी प्रकाश झा की ओर से किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है और प्रकाश झा ने सीरीज का नाम बदलने का आश्वासन भी दिया है। वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।